गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है। अब कहीं पर भी कोई एरिया ऐसा नहीं बचा है जहां पर गेहूं की फसल तैयार ना हुई हो। इसी बीच विधायक हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों, मंडी प्रशासन व आढ़तियों के साथ बैठक ली व कुछ विषयों पर बातचीत की और आगामी योजना बनाई। विधायक कल्याण ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें किसान, आढ़ती व प्रशासन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव भी करना है और अपनी फसल को समेटना भी है। इस लिहाज से सभी के साथ बैठकर व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सभी योजनाओं को अंतिम रूप देकर उनका खुलासा एक दो दिन में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरी हरियाणा सरकार इन विषयों को लेकर गंभीर है और सब समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। अनाज मंडी घरोंडा के पूर्व प्रधान राजकुमार राणा ने कहा कि भले ही विधायक एवं सरकारी नुमाइंदे जो भी कहें, पर वे अपनी हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन की बात मानेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में पैसे डलवाना गलत है, क्योंकि आढ़तियों ने जो पैसे किसानों को दे रखे हैं, इससे उनकी रिकवरी में दिक्कत आएगी। राजकुमार सहित कुछ अन्य आढ़तियों ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के निर्देशानुसार वह हड़ताल पर भी जा सकते हैं। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, सरसों भी तैयार है, तो सबकी खरीद को लेके किस तरीके से व्यवस्थाएं चलेंगी, किस तरीके से कोरोना की महामारी को लेकर जितने भी एहतियात के कदम उठाने हैं, जिसके कारण से चाहे सेंटर बढ़ाने की बात है या मंडी के अंदर भीड़ ना हो, ताकि किसी को भी स्वास्थ्य के एंगल से किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसी सभी व्यवस्थाओं के ऊपर आज चर्चा हुई है, जिसमें आढ़ती एसोसिएशन, आढ़ती जो भी प्रमुख ऐसे कुछ लोग और साथ में अपने प्रशासनिक अधिकारी सब ने बैठ के एक इस विषय के ऊपर चर्चा की है कि कैसे वो प्लानिंग बने जिसके अंदर एक शेड्यूल बना के किसान यहाँ पर आए, जिसके अंदर आढ़तियों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और वो सारी प्लानिंग अगले एक दो दिन के अंदर वो सारी बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि घरोंडा मंडी के अंदर एक अच्छी व्यवस्था के तहत जो भी गेहूं की खरीद, सरसों की खरीद, वो सारे कार्य होंगे, ताकि आढ़तियों को भी दिक्कत ना हो और जमींदार को भी दिक्कत ना हो, और कोरोना से भी बचते हुए हम इस व्यवस्था में चलते हुए इस कार्य को अच्छे तरीके से निपटाएं। कुछ जो घरोंडा मंडी की जो पेमेंट थी, पिछले दिनों में विषय आया था, तो लगभग 7-7.5 करोड़ की पेमेंट यहाँ की हो चुकी है, जो शायद हफ्ता पहले ये विषय आया था, तो उसके बाद कुछ पेमेंट बची है, उसके बारे में भी मैं बात करूँ। जहाँ हमने कोरोना से भी बचाव रखना है, वहीं हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे छोटा किसान, गरीब किसान या कोई भी जमींदार, किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आढ़ती भाइयों को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और ये सबका मिलके ये दायित्व तो बनता है और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा और कोई भी इस तरह का विषय आएगा उसका हल भी निकलेगा। यही मेन समस्या है कि पेमेंट को लेकर निर्णय ये है, तभी सरकार से ये बातचीत हो पा रही है कि भाई इसका समाधान किया जाए, क्योंकि जो आढ़तियों ने पैसा जमींदारों को दिया हुआ है, जो फाइनेंस किया हुआ है, वो कैसे वापस आएगा। अब सरकार ने तो अपनी नई पॉलिसी के तहत ये निकाल दिया है कि भाई जो भी पैसा आढ़ती के खाते में आएगा, उसको वही एज इट इज पैसा उसके जमींदार के खाते में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर ऐसा कानून बन गया तो अब तो उससे अच्छा तो आप सीधे जमींदार को ही पैसे दे दो। क्या तो इसको लेकर आप हड़ताल पर जाएंगे? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए हम हड़ताल पर जाने के लिए भी बाध्य रहेंगे कि भाई जो भी फैसला अगर गवर्नमेंट करती है, जैसे वो हमें सुचारू रूप से चलाना चाहती है, इस मंडी को सही चलाना चाहते हैं, और सभी आढ़ती भाई इस मामले में पूरे समर्थन के साथ एकजुट है कि अभी आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया सरकार की रहेगी, उसी के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज के समय में जो भी ये हमारे देश में एक महामारी आई हुई है, इसके मद्देनज़र हुए देखते हुए जो भी सरकार अपनी पॉलिसी बना रही है, या किसानों को गेहूँ खरीदने के लिए वो सेंटर निर्धारित कर रही है या मंडी में निर्धारित कर रही है, लेकिन उससे पहले अभी तक सरकार की कोई नीति स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है कि वो किसानों की जो फसलें हैं वो कैसे तो खरीदेंगे और किस माध्यम से खरीदेंगे, उसके बारे में अभी तक आढ़तियों को कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। अभी हमारे करनाल प्रधान जी से बात हुई थी, क्या उनकी एक मीटिंग बैठी हुई है कि अभी उसके बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा सरकार के साथ में, गेहूँ की पॉलिसी किस तरह से आगे चलेगी और आने वाले समय में कैसे इसकी गेहूँ की पॉलिसी बनाई जाएगी। और जैसे कि हमारे प्रधान जी भी इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं मंडी का,
कि भाई जैसे ही ऊपर से प्रक्रिया होगी, जो भी समाधान गवर्नमेंट के साथ बैठकर हमारे अध्यक्ष करेंगे, उसी के ऊपर सारा निर्णय लिया जाएगा। करोंडा मंडी भी उन्हीं के साथ है। एमएलए साहब की अध्यक्षता में आज हमारी जो आगामी परचेज है गेहूँ की और सरसों की, उसके विषय पर जो है ना बातचीत हुई है, जिसमें मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल थे, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अधिकारी लोग सब व्यवस्था बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो इसमें हमारे जो एमएलए साहब हैं उनके जो हमें सुझाव दिए हैं उसके हिसाब से हम जो है ना कार्य करेंगे। कितने केंद्र बनाए गए हैं सर खरीद के लिए? अभी तक हमने सरकार से, हमारे पहले 3 केंद्र थे और हमने टोटल अब 7 और 3 10 जगह हमने सूचित अधिसूचित करवाई गई हैं, जिसमें से हमने आड़तियों से ऑप्शन मांगी। अभी कौन आड़ती जो है ना कौन से परचेज सेंटर में या कौन सी जगह पर काम करना चाहता है वो हमारे पास आज शाम तक आ जाएगी, कल तक जो है ना हम सेंटरों पर आड़ती अलाट कर देंगे। माननीय विधायक श्री अरविंद कल्याण जी ने अभी करोंडा मार्केट कमेटी ने जो आने वाले हमारी गेहूँ की फसल पककर के अंदर तैयार हो चुकी है, कटाई भी शुरू हो चुकी है, सरकार की तरफ से 20-22 से उसकी खरीद शुरू है। आदरणीय विधायक जी ने मंडी एसोसिएशन प्रधान वाइस चेयरमैन सुरेंद्र जैन जी, जो मेरे बड़े भाई जी हैं, और आर्थिक भाइयों को बुला रखे थे, जिनके साथ विचार विमर्श करके किया गया कि हमारे आने वाले समय में करोंडा अनाज मंडी में व्यापारी एवं किसान दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत ना रहे। किसान का एक एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। आज इस विषय में हमने बैठ करके आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में गहन चिंतन किया और कुछ पॉइंट चिन्हित किए हैं। आज शाम तक उनकी रिपोर्ट जो हमारे आरती भाई हैं एसोसिएशन के प्रधान एसोसिएशन गर्ग जी वो हमारे को दे देंगे कि कौन कौन हमारे आरती भाई वहाँ उन पॉइंटों पर जाना चाहते हैं, मंडी में सुचारू रूप से गेहूँ की तुलाई हो, हर पॉइंट पे हर एक एक उस पर हमने बिंदु पर चर्चा की है। आने वाले समय में किसान एवं हमारे आरती भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.